नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई जानकारी वाले वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों अभी मैं ब्रेजा से करके आ रहा हूं अच्छी खासी ऑफ रोडिंग। आप देख पा रहे हो गाड़ी जो है बिल्कुल खेत में से निकाल के लेके आया हूं आगे से, और यहां पर जो है रियर में आप देख पा रहे हो कितनी ज़्यादा डस्ट हो रही है, तो गाड़ी हो गई है पूरी तरह से गंदी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ब्रेजा है इसमें जो नेगेटिव पॉइंट अभी तक मुझे दिखे हैं उसके बारे में। अभी ये गाड़ी करीब 1100 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ और एक महीना होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, एक दो दिन में हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेजा के नेगेटिव पॉइंट के बारे में, क्योंकि पॉजिटिव पॉइंट भी तो बहुत है इस गाड़ी के, और नेगेटिव पॉइंट जो है ना दोस्तों काफ़ी लोगों ने जो है बताए हैं, बट एक्चुअल में जो मुझे चीज़ें लगती हैं इस गाड़ी में कमी वो बताऊँगा। एक्सटीरियर की अगर बात करें तो पहली जो कमी है ना दोस्तों वो है इसकी हेडलाइट की विजिबिलिटी। LXi या फिर VXi वेरिएंट में जो आपको प्रोजेक्टर मिलता है जिसमें आपको हेलोजन बल्ब मिलते हैं, उनकी विजिबिलिटी दोस्तों इतनी अच्छी नहीं है। अगर आप सिंगल हाईवे पर चल रहे हैं यानी कि बिना डिवाइडर वाले हाईवे पर चल रहे हैं तो फिर जो है आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन ये भी कह दूँ दोस्तों कि बहुत ज़्यादा भी कम नहीं है, एवरेज मतलब विजिबिलिटी आपको मिल जाती है, आपका काम चल जाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बेकार है, तो इतनी बेकार भी नहीं है। अगर आप सिंगल हाईवे पर चल रहे हैं यहाँ से जो है सामने से भी ट्रैफिक आ रहा है तो रात में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन यहाँ पर डिवाइडर वाली रोड है फिर जो है आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो पहली जो चीज़ है दोस्तों वो है इसकी लाइट, जिसको आप अपग्रेड करा सकते हैं LED या HID से। उसके बाद इसका थ्रो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है और आप चाहें तो यहाँ पर फॉग लाइट भी लगवा सकते हैं, ठीक है ना। तो पहली ये चीज़ है। दूसरी जो चीज़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा लोग बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है, अगर आप गाड़ी को अच्छे से मेंटेन करेंगे तो फिर कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप गाड़ी पे कम ध्यान देते हैं फिर जो है थोड़ा सा इशू आपको लग सकता है, वो है इसकी ब्रॉड क्लाइडिंग। आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी चौड़ी चौड़ी जो है प्लास्टिक की ब्लैक क्लाइडिंग का यूज़ किया गया है। अब ये जो है समय के साथ साथ वाइट हो जाती है और गर्म मौसम जब होता है गर्मी के समय में जो है ये ख़राब भी होने लग जाती है, तो इसकी जो है आपको स्पेशल केयर करना पड़ेगी। स्पेशल केयर मतलब इस पर पॉलिश वगैरह करना पड़ेगी, अपनी गाड़ी को धूप में कम से कम पार्क करना होगा, अदरवाइज जो है ये वाइट होने लग जाती है और फिर जो है ये रफ़ भी हो जाती है, जिससे जो है गाड़ी का लुक बिगड़ जाएगा। तो इस बारे में तो काफ़ी लोगों ने बोला है कि इसकी जो क्लाइडिंग है ना बहुत ज़्यादा दी गई है, जो कि मुझे लगता है कि सही बात है, लेकिन अगर आप इसकी देख रेख करेंगे ठीक से तो फिर जो है ऐसा इशू नहीं आएगा। लेकिन कुछ लोगों को ये चीज़ अच्छी भी लगती है क्योंकि इससे जो है लुक काफ़ी ब्रॉड लगता है गाड़ी का। तो दूसरी जो एक्सटीरियर की चीज़ है वो है इसकी क्लाइडिंग, जो भी ब्लैक पार्ट दिया गया है वो, ठीक है। अब तीसरी जो चीज़ है वो अंदर की है, देखते हैं। तो जैसे ही दोस्तों आप इस गाड़ी में एंटर होते हैं तो यहाँ पर एक समस्या मुझे लगती है, लेकिन आपको जब हैबिट हो जाती है, आदत हो जाती है, फिर आपको ये चीज़ नहीं लगेगी। अगर आप दूसरी गाड़ी से इस गाड़ी में एंटर हो रहे हैं तो जैसे ही आप यहाँ पर एंटर होंगे, अभी सीट पूरी तरह पीछे की हुई है, तो यहाँ पर जो है ये जो डिज़ाइन दिया गया है डैशबोर्ड का दोस्तों, ये देखिए यहाँ से दिखाता हूँ, ये जो डैशबोर्ड का डिज़ाइन दिया गया है ना, यहाँ से घुसने के बाद जैसे ही आप ऐसे आएंगे तो यहाँ टकराने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरे 2-3 बार जो है ये चीज़ हो चुकी है, काफ़ी ज़ोर से लगा है यहाँ पर, तो काफ़ी बार जो है यहाँ पर ये लगती है जिससे जो है प्रॉब्लम आती है। अब जो है मुझे आदत हो गई है तो ऐसा कोई भी इशू अब नहीं लगता, लेकिन हाँ अगर आप दूसरी गाड़ी चला के इसमें एंटर होंगे तो ये चीज़ आपको देखनी होगी। इसके बाद चौथे माइनस पॉइंट की बात करें वो है इसमें 6 गियर का ना होना। 6 गियर जो है ना दोस्तों होना चाहिए था इसमें, क्योंकि जैसी गाड़ी 100 पे जाती है ना तो 3000 RPM पे पहुंच जाती है। मुझे लगता है कि 3000 RPM 100 के हिसाब से कम है, क्योंकि इग्निस वगैरह जो है मैं चलाता हूँ तो इग्निस इससे ज़्यादा साइलेंट फील होती है मुझे जब मैं 100 की स्पीड में चल रहा होता हूँ, और उसका जो RPM है वो 2500 के करीब रहता है। तो यहाँ पर जो है 6वें गियर का होना ज़रूरी है। अब इसमें स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, तो मैंने इसकी जो ऑनर्स मैनुअल है वो पढ़ी थी, उसमें जो है लिखा हुआ है कि कुछ चीज़ें जो है ना जैसे कि स्पीड पर डिपेंड करती है, तभी आपका जो स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वो काम करेगी और आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम काम करेगा, जो कि मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड 100 के बाद आपका स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जो है ना वो काम नहीं करती, यानी आपके इंजन को जो एक्स्ट्रा टॉर्क मिलता है मोटर से वो 100 के बाद नहीं मिलता है, तो ये ऑटो कट हो जाता है। तो इसमें जो है स्मार्ट हाइब्रिड की वजह से जो है मुझे लगता है कि
छठवें गियर का इस्तेमाल कंपनी ने नहीं किया, अगर छठवां गियर देते तो माइलेज भी अच्छा होता और इंजन भी थोड़ा स्मूथ या साइलेंट होता। ठीक है, इसके बाद अगले पॉइंट की अगर बात करें तो वो है इसकी गियर शिफ्टिंग। दोस्तों अभी तक मैंने मारुति की जितनी भी गाड़ियाँ चलाई उसमें मुझे सबसे ज़्यादा जो है हार्ड गियर लगा इस गाड़ी का, और इसमें हाइड्रोलिक क्लच सिस्टम दिया गया है, तो जो है इसको आप ऐसा नहीं है कि क्लच लूज है ज़्यादा तो इस वजह से जो है हार्ड डलता है, लेकिन गाड़ी 1100 किलोमीटर चल गई उसके बावजूद भी थोड़े से मुझे इसके गियर हार्ड लगते हैं अदर गाड़ियों के मुकाबले, थोड़े से नहीं थोड़े हैं ही एक्स्ट्रा। मैं बताऊं सबसे जो स्मूथ गियर लगते हैं मुझे इग्निस के लगते हैं, इग्निस काफ़ी चलाई है मैंने तो उसके मुकाबले तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड गियर है इसके, और जो इसका गियर का जो थ्रो है वो भी थोड़ा लॉन्ग है और गाड़ियों के मुकाबले, बाकी इग्निस वगैरह का काफ़ी शॉर्ट है, तो ये जो दूरी होती है ना ये जो है थोड़ी ज़्यादा है, और गियर शिफ्टिंग भी हार्ड है, स्पेशली बैक गियर तो जो है काफ़ी ज़्यादा हार्ड डलता है, कभी कभी तो लगता ही नहीं है, गाड़ी में फर्स्ट गियर लगा के थोड़ी गाड़ी आगे करनी पड़ती है उसके बाद ही बैक गियर लगता है, तो ये भी एक समस्या है। एक समस्या और मुझे लगती है, अगर आप गाड़ी को साफ़ सुथरा रखना पसंद करते हैं तब ये चीज़ एप्लीकेबल होती है, वो है इसके डैशबोर्ड का कलर। यहाँ पर जो है दोस्तों पूरा इंटीरियर ब्लैक कलर का दिया गया है, जिसकी वजह से इस पर डस्ट आने पर जो है डस्ट काफ़ी ज़्यादा दिखती है, तो ये चीज़ भी जो है थोड़ी सी मुझे लगती है कि दिक्कत वाली है। हालांकि ये जो चीज़ है ना दोस्तों इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन ऐसा मुझे लगा क्योंकि मुझे जो है क्लीन गाड़ी पसंद है, इसलिए जो है ब्लैक इंटीरियर होना थोड़ा सा जो है गाड़ी को गंदा दिखाता है, यानी डस्ट वगैरह जब आती है ना तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अंदर से गंदी नज़र आती है। तो ये सब चीज़ें लगभग अभी तो जो है मुझे इसके अलावा कोई चीज़ें नहीं दिखी है, बाकी ब्रेजा में जो है पॉजिटिव जो पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो आप चाहें तो पॉजिटिव पॉइंट के आगे इन चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो गाड़ी है काफ़ी डिमांड में काफ़ी बिक रही है, उसके पीछे का रीज़न यही है कि जिस प्राइस में ये गाड़ी आती है, जिस फीचर के साथ, जिस लुक के साथ में ये गाड़ी आती है, उस हिसाब से गाड़ी काफ़ी बेहतरीन है। तो ये सब चीज़ें थी जो कि मुझे लगी आपको बताई जाए, क्योंकि ब्रेजा के बारे में जो है मैं आप बहुत सारी जानकारी लेके आने वाला हूँ समय समय पर, और आपका अगर कोई सवाल है ब्रेजा को लेके तो आप कॉमेंट में ज़रूर भेजिएगा, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।